क्या मांगे हैं आपकी? मांगे ये है जी हमारी, एक तो हमें पक्का नहीं करते ये लोग 20-25 साल तक, सभी को नहीं करते, सभी को रूल इनकी कोई पॉलिसी नहीं है। सिर्फ सफाई कर्मचारी को नहीं करते या आपने किसी भी कर्मचारी को नहीं किसी करते? जी फोर्थ क्लास को किसी को भी नहीं करते। अच्छा, फोर्थ क्लास को किसी को भी, कोई भी डिपार्टमेंट में, इसमें 28 डिपार्टमेंट है। अच्छा, इनमें से फोर्थ क्लास के साथ बहुत बड़ी दुश्मनी है, ना एरियल देते हैं ना कैशलेस कार्ड देते हैं। कर्मचारी मर जाता है उसको बीमारियां लग जाती हैं, कोई पूछने वाला नहीं, तनख्वाह टाइम पे नहीं है, तनख्वाह की कोई तारीख नहीं है, 2-2 महीने में मिलती है, 3-3 महीने में मिलती है, ये हालत बुरी बना रखी है। लेटरमेंटी का पैसा नहीं है, कोई पेंशन नहीं है लेटरमेंट को, कैसे करे गुजारा, कैसे करेगा अपने बच्चों का पालन पोषण। जो शादरे में आप लोगों ने सफाई काम रोका था तब तो सारी बातें माननी थी, मगर झूठ बोलते अंदर बैठे ये राक्षस बैठे अंदर, ये झूठ बोलते रहते, इनको अपनी इज्जत बचानी पड़ती है कि अपनी राजनीति बच जाए हमारी, बाकी इनको गोली दे दो, ये झूठ बोलने पे हम आदा है, कभी गरीब का भला नहीं करने वाले ये लोग। आपको पता है कि अगर पूरी दुनिया में अगर सफाई बंद हो जाए तो सारे काम बंद हो जाते हैं, ये जानते हैं उल्लू के पट्टे, उसके बाद भी ये कुछ नहीं। आप जानते हैं? बिल्कुल जानता हूँ मैं, और हम चाहते नहीं इस काम को करना, हम जिस दिन कर देंगे इस काम को इनके ऑफिस में भी कूड़ा भर देंगे, इनके घरों में कूड़ा भर देंगे। तब ये आप क्यों नहीं चाहते? इसलिए नहीं जा रहे कि हम लोगों ने करके देखा एक बारी, इन्होंने उस दिन कमेटी बना दी हमारी 9 आदमी की, कि जब भी ये 9 आदमी बैठेंगे ये पूरा सिविंग सेंटर कमिश्नर इनकी बात पे गौर देगा, आपकी बात सुनेंगे, एक एक करके आपकी समस्याओं का शोल करेंगे, मगर इन्होंने किया नहीं आज तक, झूठ बोल दी। इन्होंने नहीं किया तो आपने सफाई की जो हड़ताल थी वापस क्यों नहीं ली? ये हमारे नेताओं की थोड़ी सी, हमारे लोग जो बैठे थे हड़ताल पर उनकी थोड़ी सी कमी रह गई। तो आप अपने नेताओं का ठीक करेंगे? ये तिवारी ने बड़ा झूठ बोला, तिवारी ने। हाँ, तिवारी सफाई कर्मचारी है? बिल्कुल नहीं है वो, मगर वो आया एक प्रतिनिधि। क्या वो सफाई कर्मचारी की जात से है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। तो आपने उसे नेता क्यों मान लिया? ये गलती रही हमारे भूख हड़ताल में बैठे रहे लोगों की, उस गलती को कैसे ठीक? हमने कहा कि इसको बिल्कुल मत मानो इनकी बात, जब तक तुम्हें कुछ ना दे अपनी हड़ताल को जारी रखो, अरे मर तो जाओगे 1-2 दिन, मगर नहीं। जिन लोगों ने आपकी बात नहीं मानी क्या आपने उनको बाहर निकाला? बिल्कुल निकाल दिया। अभी आप हड़ताल कब करेंगे सफाई कर्मचारियों की? ये बस अभी ये 1 तारीख की मीटिंग बुला रही है अंदर, उसके बाद हम अगला कदम उठाएंगे, हमारी कोर कमेटी बैठेगी। इतना देर क्यों है? 1 तारीख क्यों है? जब काम जरूरी है तो तुरंत क्यों नहीं है मीटिंग? नहीं किया इन्होंने, हमारी कोर कमेटी ने फैसला लिया, आज वो फैसला हो जाएगा जो आप पूछ रहे हैं। जब तक आप सफाई नहीं रोकेंगे दिल्ली से, पूरे देश की सफाई नहीं रोकेंगे? बिल्कुल बिल्कुल काम नहीं होगा। आपके सफाई कर्मचारी जितने भी हैं क्या वो पूरे देश में एक यूनियन के तहत में है? नहीं, कई यूनियन के तहत है पूरे भारत के अंदर। जब उद्देश्य एक है और जब संघर्ष एक है तो अनेक वो क्यों है आपकी? पता नहीं, ये कानून इनके अलग बना रखे हैं एमसीटी के। आपके जो नेता हैं वो अलग अलग क्यों बना के बैठे हुए हैं? जब उद्देश्य एक है, काम एक है, सफाई कर्मचारी एक है तो क्यों? इसलिए हमने कोर कमेटी बनाकर सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाए। कोर कमेटी की बजाय एक कमेटी क्यों नहीं बनाते आप? एक ही बना ली, परमानेंट बना ली। नहीं नहीं, ये सब एक है, एक ही इनके अलग अलग जो इनकी वो है कमेटियां, उन सबको एक बनाओ ना कमेटी को। बना दिया एक, इसका एक ही रहेगा, टूटेगा नहीं। दिल्ली नगर निगम समस्त यूनियन और कमेटी एक ही नाम दे दिया सब। आप खाली दिल्ली क्यों बनाते हो, बॉम्बे की, कलकत्ता की, पूरे देश क्यों नहीं बनाते? वो चली हुई है जी, सब अलग अलग चली हुई। उसे जब तक नहीं बनाओगे आपके देश में बात कौन सुनेगा? बिल्कुल नहीं सुनेगा, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। रेलवे कितने करना पड़ेगा सर? अगर आपकी सोच देश के लिए नहीं है, पूरे देश के एक साथ सभी कर्मचारी के लिए है, तो आप तो अलग अलग मरे जाओगे। मरे जाएंगे बिल्कुल, और वो मार रहे हैं ये लोग। फिर आप कैसे काम करोगे? बिल्कुल नहीं हो पाएगा जी। कैसे करोगे काम? नहीं हो पाएगा। आप दिल्ली में रहोगे, बाहर वाले आपका समर्थन नहीं करेंगे तो दिल्ली में संघर्ष कैसे होगा? इसलिए ये हम से बात मानते नहीं हमारी, यही हमारी कमजोरी है। नहीं मानते तो आपके पास तो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। बिल्कुल ताकत है, उसका इस्तेमाल होगा 2 दिन के बाद। उसका इस्तेमाल आप इतना लंबा चुप, पहले उसका इस्तेमाल कर दो, उसके बाद में अपने आप सुनेंगे लोग। ऐसा ही किया था, तभी इन्होंने मीटिंग बुला ली 2 बारी हमारी।
और ये कह रहे थे तो आपकी जितनी बातें हैं आप इनके ऊपर ज्यादा निर्धारित हो, अपनी सत्ता भी ऊपर कम हो, ये क्या बात हुई? कोर कमेटी का फैसला एक आदमी नहीं कर सकता सर। नहीं नहीं, मैं तो ये कहता हूँ कि दुनिया में बस रुक जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल ठीक है ना, डाकखाना रुक जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, अगर टेलर मास्टर रुक जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर सफाई का काम रुक जाए, मकान बनना बंद हो जाए कोई नहीं रोकता, अगर अगर सफाई सड़कों पे, सफाई घर में, सफाई इनके मकानों में टट्टी बंद हो जाए तो, क्योंकि ये सफाई तो खुद नहीं कर सकते। अगला कदम यही है सर। तो पहला कदम क्यों नहीं आई? नहीं, वो ये हमारी गलती रह गई है थोड़ी सी, इसको ठीक करेंगे। हाँ ठीक करेंगे, ये हो चुका, ये आज निर्णय हो गया। चलिए ठीक, हाँ जी, 2 बजे निर्णय इसका, कि इनका घर बना जाए, इनके ऑफिस बने जाए, ठीक बस। हाँ जी फिर तो ये अगला